हेलो, मैं मीडिया के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कोई बात आपको करनी हो तो सुरेश गुर्जर जी भी एमएलए साहब की स्वागत करेंगे और हजारों हजारों लोग स्वागत करने के लिए बेताब है। बाहर पूरा मजमा जमा हुआ है। आपको अगर कोई आपसे सवाल करना हो तो आप आमंत्रित है, क्योंकि आपको हमने बुलाया है तो हमारा धर्म बनता है कि अगर कोई सवाल बाहर हो तो। हम सब लोग साथ में हैं, टिकट की कोई शर्त नहीं है। टिकट पार्टी अलग कमान देगी, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे वो कोटा में हो चाहे वो राजस्थान के किसी कोने में, उसको जिताने का काम। हेलो, जिस प्रकार से कहा है कि गुलाम बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, बैकिंग करना चाहते हैं, इंडियन इनकम टैक्स सीबीआई से डराना चाहते हैं और पार्टी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ ये आवाज सभी 36 कौमों के वर्गों में, सभी वर्गों में बुलंद हो रही है और इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सब लोग खड़े हो रहे मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी बात है। इस ज्वाइनिंग के साथ में मैं इतनी लंबी थोड़ी बात तो ठीक नहीं लगता, लेकिन इस प्रकार से 14 लाख रुपए नगद और उसके आधार पर 150 करोड़ रुपए निकाल लिए हमारे खातों से और पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया कि 1 रुपया नहीं लेने दो, इनको चुनाव नहीं लड़ने देना है। इसीलिए तो 400 पार की बात करते हैं, जनता से नहीं करते हैं। ईवीएम और इनकी केंद्र की तानाशाही और उनकी जो एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं, इनकम टैक्स और सीबीआई, उसके आधार पे 400 की बात कर रहे हैं, नहीं कि जनता के मतदान से। मेरा एक सवाल है कि किस तरीके से बड़े नेताओं को आशिया पे डाला है बीजेपी ने, तो जैसे प्रहलाद गुंजन जी आए, एक बड़ा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया, क्या वो भी ऑनलाइन में है? उनको पूछो, आपके कुछ पूछ रहे हो, आपसे कोई संपर्क? उनके उनके बेटे तो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे सामने और हम उनके दमदारी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और उनको हराएगी। जो आना चाह रहा है दमन से परेशान होकर के जनता की आवाज को अपनी आवाज बनाने के लिए, उनका स्वागत है। सर एक सवाल गुंजल साहब, राहुल गांधी जी ने बोला है असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, क्या आपको हमेशा ऐसा लगता रहा है कि आप जब भी पार्टी में रहे हैं तो असुर शक्ति से लड़ाई आपके भी आपका भी सामना हुआ है? इन्होंने जो बोल दिया वो पर्याप्त है भैया, जो बोल सकते थे इससे ज्यादा कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी बोल ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी में रहा। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ शेर को कि किस प्रकार से